हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं डॉक्सीमाइसिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, डॉक्सीमाइसिन टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, डॉक्सीमाइसिन टैबलेट की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और लैक्टिक एसिड बैसिलस 100 million स्पोर्स। इन दोनों इंग्रेडिएंट को इस डॉक्सीमाइसिन टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो बात करते हैं इस टैबलेट को कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट को जो मेनली जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, यदि किसी के चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं, यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं या दाने निकल आते हैं, तो दोस्तों उस दौरान ये डॉक्सीमाइसिन टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी के UTI इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो टैबलेट काम करती है, यदि किसी को ट्रेवलर्स डायरिया की समस्या रहती है, तो उस दौरान भी इसको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, यदि किसी के आँतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या आँतों में सूजन होती समस्या हो जाती है, तो उस दौरान भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी तरह के फ्लू में या वायरल में ये टैबलेट काम नहीं करती है। ये जो है केवल एंटीबैक्टीरियल होती है, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतली हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर की देखरेख में ही करें, खुद से इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।